इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने महंत मौत जांच की मंजूरी दी है। दो दिन पहले यूपी सरकार ने इसकी सिफारिश की थी और सीबीआई ने पुलिस कर्मियों से इसको लेकर की जानकारी भी ली है। सीबीआई ने पुलिस वालों से 10 सवाल इसको लेकर के पूछे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 के अजीत सिंह की ये खबर है जिसमें सीबीआई जांच की मंजूरी मिल चुकी है और इसको लेकर के सीबीआई ने पुलिस कर्मियों से पूछताछ की है। सीबीआई जल्द केस दर्ज कर जांच भी शुरू करेगी और पूरे मामले को लेकर के पुलिस कर्मियों से जानकारी भी ली है, क्योंकि कल जो वीडियो सामने आया था उसके बाद ये मामला और पेचीदा हो गया है। हालांकि जो सुसाइड नोट मिला था वो महंत का ही बताया जा रहा है, लेकिन जो वहां पर रस्सी टूटी हुई थी उसको लेकर के भी कई सारे सवाल हैं। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, सीबीआई ने मंजूरी दे दी है और जल्दी जांच भी शुरू करेगी, यानी कि जल्दी इस केस से पर्दा उठ सकता है। देखिए बिल्कुल, जब भी सीबीआई ने महान नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में कल एक टीम आई तो उसने स्टेटस रिपोर्ट भेजी और देर रात डीओपीटी ने केस दर्ज शुरू कर जांच की मंजूरी दे दी है। तो अब सीबीआई की जो टीम थी उसने बहुत सारे सवाल पूछे हैं पुलिस कर्मियों से जो यहाँ पर मौजूद थे। सीबीआई ने पूछा कि आखिर एफआईआर में अंतर क्यों है और सूचना में अंतर क्यों है। दरवाजा तोड़कर जब अंदर से घुसे तो फांसी का फंदा काट कर सब नीचे उतारा गया, और जो उनके सिर से अमर गिरी उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई कि धक्का देकर दरवाजा खोला गया। सीबीआई ने पूरे 9 से 10 सवाल पूछे कि उन्होंने कोई तबीयत खराब रहती थी, गठिया रोग से थे तो वो बेड पर स्टूल रखकर कैसे चल जाए, इन सब को लेकर सीबीआई ने बहुत सारे सवाल पूछे। और सीधे सीबीआई ने कहा कि जब पुलिस के आने से पहले शव को क्यों उतारा गया, नरेंद्र गिरी की मौत हो गई थी, ऐसे में बिना पुलिस को बताए उनके शव को नीचे उतारा गया, फोन से संपर्क न होने पर शिष्य परेशान थे, एम्बुलेंस पहुंचने का इंतजार क्यों नहीं किया गया। सीबीआई ने एक सवाल ये भी किया कि सुसाइड नोट को वसीयत की तरह क्यों लिखा गया, सुसाइड नोट को टुकड़ों में क्यों लिखा गया। तो बहुत सारे सवाल है, आत्महत्या उसी कमरे में क्यों किया जहां वो विश्राम कक्ष में नहीं आराम वो विश्राम कक्ष था, कभी कभी वहां जाते थे लोगों से मिलने, एकांत कमरे के छोड़कर बाहर के कमरे बने अतिथि गृह में फांसी क्यों लगाई, जो सामने सीसीटीवी था वो क्यों खराब था। तो बहुत सारे सवाल सीबीआई ने उनसे पूछे हैं। अब सीबीआई की नई टीम यहाँ पहुंचेगी या जो टीम है वो, यानी 2 से 3 टीमें काम करेंगे इस पूरे केस से पर्दा बिल्कुल। अजीत, कल आपने ही रिपोर्ट दिखाई थी और जो वीडियो सामने आया है उसके बाद मामला और पेचीदा हो गया है। शक की सुई मटके ही कुछ लोगों पर घूम रही है अब वीडियो के सामने आने के बाद, तो सीबीआई अब जल्द ही वहां पर पहुंचेगी। आज क्या मान लिया जाए, जांच शुरू कर देगी सीबीआई की टीम? देखिए बिल्कुल, यही जो खबर हमारे पास है, सीबीआई आज जांच शुरू कर देगी। और सीबीआई जो वीडियो वायरल हुआ है, नरेंद्र गिरी का जो सुसाइड नोट है, जो आनंद गिरी की गिरफ्तारी हुई है आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, इसके अलावा एक सफेद पुरुष का नाम आ रहा है जो हनी ट्रैप की बात की जा रही है, तो कई सारे जो सवाल है उसका जवाब तलाशेगी सीबीआई। और सीबीआई आज देर शाम या कल तक कभी भी किसी समय अपनी ये जांच शुरू कर सकती है। और सबसे पहले बाघम्बरी मठ के उस कक्ष में जाएगी जो अतिथि कक्ष है जहाँ पर महान नरेंद्र गिरी ने का शव मिला था। बिल्कुल अजीत, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। रूस की राष्ट्र